एक भजन है इस तरह, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जगत है सोई पावत है। हुण जिवें सारे जानते ही आपां कि पटवारी का पेपर बस आन खड़ोता है और 8 अगस्त नूं पेपर है, तो मैनूं पूरी उम्मीद है कि थोड़ी तैयारी मुकम्मल हो चुकी होएगी। और कुछ एक डेटा जो लेटेस्ट डेटा है, चलो आप उन्होंने भी शेयर कर लीए तो देखिए कि प्रोडक्शन लैवल जरा सीगा 2020-21 किस तरीके का रहा, क्योंकि इतों भी कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम दे विच आ सकता है। सो असी देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आप देखिए, व्हाट इज़ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर द ईयर 2020-21 एज पर थर्ड एडवांस एस्टिमेट्स। नाउ सानू ये भी पता होना चाहिए कि जड़े ये डेटाज आते हैं ये एज पर एस्टिमेट्स आते हैं, क्वार्टरली एस्टिमेट्स होते हैं, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट, सेकेंड एडवांस एस्टिमेट, थर्ड एडवांस एस्टिमेट, दैन फिर फाइनल एस्टिमेट्स। हुण जिहड़ा डेटा आया लेटेस्ट डेटा आया दैट इज़ एज पर थर्ड एडवांस एस्टिमेट्स। जे क्वेश्चन कोई आएगा तो ये बेस के उत्ते ही आएगा। सो पहला क्वेश्चन है कि भारत दे विच टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फूड ग्रेन्स की 2020-21 दे विच किन्नी हुई है, तो यदा जवाब थानू पता होना चाहिए कि इस बार जी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुई है दैट इज़ 303.34 मिलियन टन। ये अपने आप दे विच एक रिकॉर्ड है। और थानू याद होना चाहिए कि बेसिकली जदों 1951-52 दे विच उस वेले जी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सी इंडिया की, वह सिर्फ कोई 50 मिलियन टन के करीब होंगी सी, जिहड़ी कि हुण 6 गुना तो भी ज़्यादा हो गई है। दैट मीनस इंडिया ने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन दे विच बहुत वड्डी तरक्की की है। और पिछले 10 सालों दे विच ही देखिए असी तो बहुत ज़्यादा तरक्की हुई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन दे विच, क्योंकि असी जी पिछले स्कीम सगिया और जी हाई यील्डिंग वरायटीज है ने उन्होंने अप्लाई करने वास्ते, और सैकेंडली एक जिहड़ा होर भारत सरकार ने प्रोग्राम शुरू किया, आई थिंक इन 2007 दैट वॉज सैकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन। सैकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन दे विच जिहड़ियां बीमारू स्टेट सीगियां बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी, जिन्हां विच एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बड़ी घट सीगी, उन्हां दे उत्ते जोर दिता गया कि इन्हां स्टेटां दे विच क्योंकि जमीन बहुत उपजाऊ सी पर इत्थे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत घट सी, और उन्होंने उत्ते जोर दिता गया। और असं देखते हैं कि उस जड़े एक्शन लिते गए उस वेले तो उस करके इन्हां स्टेटां की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत इनक्रीज हुई है और ओवरऑल इंडिया की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत वध गई है और जाके हुण 303 मिलियन टन हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज़ द टारगेट फॉर फूड ग्रेन्स फॉर द ईयर 2020-21। 2020-21 का साडा टारगेट किन्ना सीगा, असी देखते हैं कि 2019-20 दे विच साडी जिहड़ी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सी दैट वॉज अराउंड 297 मिलियन टनस। और 2020-21 दे साडा जिहड़ा टारगेट सीगा दैट वॉज, हाँ जी की जवाब होएगा थोड़ा, ये विच इट वॉज 301 मिलियन टनस साडा टारगेट सीगा, जिहड़ा कि असी ओवरशूट किया, तो हुण साडी प्रोडक्शन किन्नी हुई है ये 303 मिलियन टन तो भी ज़्यादा हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, व्हाट इज़ द टारगेट फॉर फूड ग्रेन प्रोडक्शन फॉर द ईयर 2021-22। 2021-22 वास्ते साडा की टारगेट है। नाउ दैट मीनस हुण असी 19-20 भी देख लिया, 20-21 भी देख लिया, 21-22 वास्ते साडा टारगेट की है। सो ये भी क्योंकि अखबारों के आता है तुहानू पता होना चाहिए, 2021-22 का टारगेट साडा है 307.31 मिलियन टनस। हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, जी आई थिंक सारे जानते ही ने क्योंकि पिछले न्यूज़ के भी बहुत रहे ने, श्री नरेंद्र सिंह तोमर, ही इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। अकॉर्डिंग टू द थर्ड एडवांस एस्टिमेट्स द रबी प्रोडक्शन हैज़ बीन -1 मिलियन टनस। वंस अगेन तुम जानते हो कि अपनी जड़े दो सीजन ने, मेजर सीजन ने, रबी सीजन ते खरीफ सीजन, तो रबी सीजन दे विच अपनी जिहड़ी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रही है 2020-21 दी
वो किनी रही है, दैट इज 155.88 मिलियन टन रही है रबी दी प्रोडक्शन, खरीफ दी 145.43 रही है। सो ये दोनों फिगर्स याद कर लेना। वैसे तो जे कोई क्वेश्चन आएगा, पहले जेडे चार क्वेश्चन मैं थानू कराए ने, इन्हां दे विचों एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए। ये जेडे बाकी है ने कि रबी दा ते खरीफ दा, ये थोड़े जे एडवांस लैवल दे क्वेश्चन हो जाते हैं। इस तरह का क्वेश्चन तहसीलदार दे, नायब तहसीलदार दे पेपर दे विच उत्थे आ सकदा। Which of the following is not a खरीफ क्रॉप? हुण साढ़े कोल चार ऑप्शन ने, इन्हां दे विचों खरीफ क्रॉप कि नहीं है? पैड़ी, मेज, कॉटन, ग्रैम। कहिंदी दैट मीन पैड़ी नूं असीं की कहिंदे आ, इहनूं अपना जीरी हो गया थोड़ा, मक्की हो गया, नरमा हो गया ते छोले हो गए। इन्हां दे विचों खरीफ क्रॉप कि नहीं है? पहली गल तां सानूं इह सारिआं नूं पता ही है कि खरीफ क्रॉप कि हुंदी है, जिहड़ी कि गर्मियां दे विच लगाईआं जांदीआं ने बारिशां तों पहलां, और सर्दियां दे आम तो पहला पहला कटिया जाते हैं, वह उन्होंने असी खरीफ क्रॉप कहने। सो इन चो सा खरीफ क्रॉप कि है? ग्राम, छोले। सर खरीफ क्रॉप कड़िया होंगे ने, दैट इज पैड़ी, मेज, सोरगम, जवार, बाजरा, कॉटन, सोयाबीन, ये सारिया कि ने, यह एक खरीफ क्रॉप्स ने। सिमिलरली क्वेश्चन ये भी हो सकता है, विच आर द फॉलोइंग इज द रबी क्रॉप? रबी तुम सारे जानते हो, सर्दियों लगाई जाते, गर्मियों कट्टिया जा। सो मस्टर्ड, सोयाबीन, मेज, कॉटन, हमने आपने खरीफ क्रॉप कितिया ने, और तुसी देखा वो ना बाय एलिमिनेशन ऑलसो तुसी मेकआउट कर सकते हो कि इन्हों के रबी क्रॉप कि होएगी, क्योंकि हमने आपा कीता कि खरीफ क्रॉप कि सी, कॉटन, मेज, सोयाबीन, यह साड़िया खरीफ क्रॉप हैं। तो रबी क्रॉप कि बच गई साढ़े को? मस्टर्ड, सरों। ये आम तौर पर तुम देखते हो कि यह कणक के नाल इनू लगाया जाता है। रबी क्रॉप्स होर कि हो गया? बारले, ग्राम, मस्टर्ड, ओट, वीट, लिनसिड, बाजरा, ये सारिया रबी क्रॉप्स ने। एज पर थर्ड एडवांस एस्टिमेट वाज़ द टोटल प्रोडक्शन राइस ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर ईयर 2020-21, कि जीरी की प्रोडक्शन किन्नी हुई है 2020-21 दे विच। सो यह क्वेश्चन वंस अगेन ये नायब तहसीलदार वर्गे पेपर दे विच क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। पटवारी वास्ते ये थोड़ा जा हायर लेवल क्वेश्चन है। सो या नबार्ड का पेपर कोई दे रहा है तो वो वास्ते इंपॉर्टेंट हो सकता है, उत्थे इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिते जाते हैं। सो उत्थे 121.46 मिलियन टन साड़ी राइस की प्रोडक्शन हुई है 2020-21 दे विच। सिमिलरली वीट की गल करिए, 2020-21 दे विच वीट की कितनी प्रोडक्शन हुई है साड़ी? सो दैट हैज़ बीन 108.75 मिलियन टन। सो ये आपस के डेटा कन्फ्यूज हो जाता है, तो इस करके इस चीज़ में थोड़ा जहा ध्यान नाल देखियो। वीट 108, और जो तुसी देख रहे थे अपना पैड़ी देख रहे थे या जीरी देख रहे थे, तो वह 121 मिलियन टन, तो यह आपस कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, इस गल का ख्याल रखियो। कॉटन इज प्रक्योर्ड इन टर्म्स ऑफ बेल्स, वट इज़ द वेट ऑफ ए बेल? ठीक है जी, हूँ कॉटन जड़ी हैगी है, नरमा हो गया, कपाह हो गई, इनू बेल्स दे फॉर्म दे विच खरीदा जांदा है, वो वड्डियां वड्डियां गठ्ठा बनाई जांदियां ने, तो एक गठ का वेट किन्ना हुंदा है ये भी सानू पता होना चाहिए। एक गठ का जो वेट है वह किन्ना हुंदा है? 170 किलो हुंदा है। ये भी वंस अगेन नायब तहसीलदार के पेपर दे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक टन विच किन्नो किन्ने किलो हुंदे ने? ठीक है जी, हाँ जी, एक टन विच किन्ने किलोग्राम होंदे ने? सो साडा जवाब की होएगा? 1000 किलोग्राम एक टन विच होंदे ने। वट इज़ द एस्टिमेटेड हॉर्टीकल्चर प्रोडक्शन इन 2020-21? एक पासे साडे फूड ग्रेन्स, दूजे पासे की है हॉर्टीकल्चर। हॉर्टीकल्चर की आ गया? फ्रूट भी आ गया, वेजिटेबल भी आ गया, वो सारे चीज़ें जी साड़ियाँ हॉर्टीकल्चर के आ जाएँ ने। सो हॉर्टीकल्चर की प्रोडक्शन वंस अगेन एक रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है हॉर्टीकल्चर की, और कितनी प्रोडक्शन हुई है? 326.58 मिलियन टन, एक रिकॉर्ड एग्रीकल्चर हॉर्टीकल्चर प्रोडक्शन हुई है। और भी तुसी देखोगे कि फ्रूट की कितनी प्रोडक्शन हुई है,
कि जे पूछा जावे क्वेश्चन कि टोटल फ्रूट की प्रोडक्शन किनी हुई है हॉर्टीकल्चर दे विच, तां दैट हैज बीन 103.23 मिलियन टन फ्रूट प्रोडक्शन हुई है। द हॉर्टीकल्चर प्रोडक्शन फॉर द 2019-20 असी किता होने 2021 दे कि प्रोडक्शन हुई है, तो 2019-20 दे जी सी साड़ी कितनी प्रोडक्शन हुई है वह भी सानू पता होनी चाहिए। दैट हैज़ बीन 320.77 मिलियन टन हुई सी 2019-20। वट आर द बफर नॉर्म्स फॉर वीट स्टॉक टू बी मेनटेन बाय FCI फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया। यह जीरी और कनक दोनों चीज़ों बड़ी बड़ी मात्रा दे परचेज करती है और बफर स्टॉक मेनटेन करती है। बफर स्टॉक की होंगे कि अनाज का भंडार ताकि किसी वे सोका पै जाए या बारिश ना हो या ड्राउट हो जाए तो उस वेले साढ़े को अनाज का भंडार होना चाहिए, तो वह कि साढ़े को वीट का स्टॉक कि होना चाहिए। सो ये साढ़े को ऑप्शन ने 75, 87, 168 तो 7.5। बेसिकली कि होना चाहिए 7.5 मिलियन टन, दैट इज़ द राइट आंसर। अज की तरीक दे आई थिंक द लास्ट ईयर साढ़े को टोटल वीट साढ़े को टोटल फूड ग्रेन स्टॉक दैट वॉज मोर दैन 82 मिलियन टनस। इट वॉज़ ए रिकॉर्ड 82 मिलियन टन तो ज़्यादा साढ़े को पूरा फूड ग्रेन स्टॉक सेगा। और इस बार कहा जाता है कि जड़ा प्रोक्योरमेंट हो रही है साढ़े को टोटल फूड ग्रेन स्टॉक विल बी मोर दैन 100 मिलियन टनस ऑलसो। इस करके सवाल भी उठ रहे हैं कि इन्ना ज़्यादा अनाज का भंडार जोड़ा मेनटेन किया जा रहा है और सरकार उसनू अपने भा दे उत्ते खरीद के फिर सस्ते भा दे उत्ते जिहड़ा इस वेले वंड रही है या फ्री वंड रही है, तो उहदे विच सरकार दा एक बहुत वड्डा खर्चा वो हो भी रहा है। विच स्टेट हैज़ अमर्ज एज द लार्जेस्ट प्रोक्योरमेंट स्टेट इन रिस्पैक्ट ऑफ वीट। कनक दे मामले दे विच पंजाब हमेशा एक नंबर दे उत्ते रहा है। जिन्नी भी प्रोक्योरमेंट होंदी सी हाईएस्ट प्रोक्योरमेंट पंजाब तो होंदी सी, पर एक स्टेट ऐसी आई है जिहड़ी कि पंजाब तो अगे निकल गई है इन टर्म्स ऑफ प्रोक्योरमेंट। पिछले साल पंजाब दी तो जिहड़ी वीट की प्रोक्योरमेंट हुई सी वो 127 लाख टन सी, पर जिहड़ी दूजी स्टेट की आपां गल करन लगे हाँ उहदी जी प्रोक्योरमेंट हुई है वह हुई से 129 लाख टन तो ज़्यादा हो गई। सो वो कौन स्टेट है? दैट इज़ मध्य प्रदेश है उस स्टेट का नाम। इन्हें बहुत ज़्यादा वड्डिया छालां मारिया ने और जे देखिए 18-19 दे विच प्रोक्योरमेंट सिर्फ 65 लाख टन सी और यह वध के असी देखते हैं 19-20 दे विच 129 मिलियन टन तो भी ज़्यादा हो गई, डबल हो गई। और इस साल इसने फिर पंजाब तो अगे निकल गया क्योंकि इस वेले तकरीबन तो पंजाब के बराबर है, पर MP दे विच जिहड़ी वीट की प्रोक्योरमेंट 15 जून तक सी जदों के पंजाब दे 30 मई नूं खत्म हो गई सी, इस करके MP दे विच प्रोक्योरमेंट डेफिनेटली ज़्यादा हुई होएगी। विच स्टेट हैज़ डन वंडर्स विद रिस्पेक्ट टू वीट इनक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्शन 252 मिलियन टन इन 2018-19 टू 372 मिलियन टन लैक टन इन 2019-20। सो आप जी स्टेट की हमने गल कर रहे थे MP के 18-19 252 लाख टन की प्रोडक्शन सी जी कि तकरीबन असी देखते हैं कि यह 40% 40 तो भी 45% बढ़ के जैसे 372 लाख टन हो गई है और वह स्टेट कड़ी हुई वह मध्य प्रदेश हुई। विच स्टेट हैज़ अमर्ज अ स्टार परफॉर्मर फॉर राइस प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट। सिमिलरली जीरी के मामले दे विच भी एक स्टेट बहुत अगे निकल गई है और वह कौन स्टेट है जिहड़ी कि बहुत अगे आई है? दैट स्टेट इज़ तेलंगाना। उस तो पहला आंध्र प्रदेश ते तेलंगाना इकट्ठिया स्टेटा हुई कर दिया सीगिया, जिवें कि तुसीं सारे जानते हो कि फिर आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग किया गया। तेलंगाना ने पिछले 3-4 साल दे विच बहुत ज़्यादा राइस के प्रोडक्शन दे विच तरक्की की है और इस वेले आई थिंक इट इज़ नंबर 2 इन टर्म्स ऑफ
procurement by Food Corporation of India, Punjab to baad isse da number aunda. Which date has been fixed by government of Punjab for transplantation of paddy in the year 2021? Now, basically, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੋਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਸਬ ਸੋਇਲ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੇਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੈਟ ਡੇਟ ਵਾਸ ਫਿਕਸਡ ਐਟ ਕਿ 10 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਇੰਗ ਇਨ ਨਰਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਔਰ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਇਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ 10 ਤੋਂ 13, 13 ਤੋਂ 15 ਅਤੇ 18, ਪਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫੋਰ ਦਾ ਫਾਰਮਰਸ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ 10 ਜੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਡੇਟ ਇਹ 10 ਜੂਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਵਿਦ द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह। सो अज के कुछ एक क्वेश्चन जोड़े आपने किए ने, दैट इज एग्रीकल्चर के उत्ते बेस से लेटेस्ट डेटा के उत्ते, इस तरीके आप बाकी के क्वेश्चन होर भी रूटीन होर करा ताकि साढ़े पटवारी के पेपर वास्ते होर चंकी तैयारी हो सके। सो वी विल बी कमिंग बैक विद मोर वीडियोज़ विद यू और थोड़े नाल उन्होंने शेयर करते हैं। थैंक यू।